हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसे शॉर्ट में NLM भी कहते हैं और अगर हिंदी में देखें तो इसे न्यूटन की गति के नियम कहा जाता है। आज हमारा जो लेक्चर है इसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है, इसलिए जो बच्चे IIT, NEET ऐसे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने 11th में मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, का अध्ययन किया है। इवन 11th का 50-60% सिलेबस मैकेनिक्स ही था। इस मैकेनिक्स को, इस यांत्रिकी को दो पार्ट में आपने अध्ययन किया, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, इस मैकेनिक्स में जनरली हम बात करते हैं मोशन की। मोशन का मतलब गति, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात की थी मैकेनिक्स में। और इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था काइनेमेटिक्स और उसके बाद पढ़ा था डायनेमिक्स। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। काइनेमेटिक्स में आपने मोशन के पैरामीटर्स की बात की थी, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये पैरामीटर्स कौन से थे, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है और अब ये गति करने लग गया। एक जगह से दूसरे जगह पर ये गति कर रहा है, मोशन में है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। तो आप लोगों ने 11th में इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर ये मोशन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। हिंदी में बात करें तो विस्थापन कितना रहा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा। और अगर ये मोशन में है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब इसका कुछ वेग होगा, आपने वेग निकाला होगा। और साथ में अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, मतलब वेग के मान में परिवर्तन आया है, तो आपने एक्सेलरेशन निकाला होगा और एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात जब अपन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को समझना पड़ता है, जिसमें पहला पैरामीटर्स अपन ने डिस्प्लेसमेंट जाना, दूसरा वेलोसिटी देखा, तीसरा एक्सेलरेशन देखा। और जब इन सारे पैरामीटर्स को अपन समझेंगे तब जाकर अपन इस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर पाएंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ा। और ये मोशन के पैरामीटर्स बेसिकली थे कौन से, तो एक तो था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था वेलोसिटी, हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहेंगे, वेलोसिटी को वेग कहेंगे, और तीसरा था एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण कहेंगे। और इन सब का अध्ययन करने के लिए न्यूटन की तीन इक्वेशंस भी आपने देखी थी। ये न्यूटन की तीन इक्वेशंस शायद आपको याद हो, पहली इक्वेशन थी v=u+at, दूसरी इक्वेशन थी s=ut+ ½ at² और तीसरी इक्वेशन थी v²=u²+2as। और इन तीनों इक्वेशन में आप देख लीजिए, या तो वेलोसिटी की बात की गई थी, या एक्सेलरेशन की बात की गई थी, या डिस्प्लेसमेंट की बात की गई थी। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, कि टाइम चेंज हो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसकी वेलोसिटी फाइंड करो, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। और ये सब आपने किसमें पढ़ा? काइनेमेटिक्स में। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, मोशन इन 1D, चैप्टर का नाम था मोशन इन 1D, एक विमीय गति। साथ में आपने मोशन इन 2D भी पढ़ा, 2D मोशन की भी बात की थी। ये सब किसका भाग था? काइनेमेटिक्स का। 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में बात करें एक विमीय गति, द्विविमीय गति, प्रक्षेपीय गति, जो भी आपने अध्ययन किया है वो काइनेमेटिक्स का भाग है।
पर क्योंकि हम लोग आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और वो है डायनेमिक्स का भाग। अब अंतर क्या है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में, अब अपन डायनेमिक्स को समझते हैं। देखिए हम लोगों ने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी तब किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मोशन की बात की गई कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आया, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक अपने पास ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहां पॉइंट ए पर रखा है और वो शिफ्ट होकर मोशन में आकर बी पर आ गया, तो हम लोगों ने निकाला था डिस्प्लेसमेंट एस, और ये अगर चल रहा है तो इसके पास वेलोसिटी रही होगी वी। तो हम लोगों ने वहां पर केवल डिस्प्लेसमेंट निकाला था, कहां पर काइनेमेटिक्स में, पर कहीं पर भी उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं की थी कि डिस्प्लेसमेंट अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वेलोसिटी अगर आ रही है तो क्यों आ रही है। देखिए मैंने केवल काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, वेलोसिटी को फाइंड कीजिए, इन्हीं की बात की है, पर कभी ऐसा नहीं समझा है कि वेलोसिटी आई है तो क्यों आई है, इनके रीजन की बात नहीं की गई कि अगर किसी ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ रही है तो क्यों आ रही है। बस यहां पर तो समझा गया कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, पर क्यों है इनके कारणों को काइनेमेटिक्स में नहीं समझा गया। इनके कारणों को, इनके कॉज को अपन किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो डायनेमिक्स में बेसिकली किसका स्टडी करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये जो मोशन के पैरामीटर्स है ये आए तो किसके कारण आए, इसके पीछे कौन वर्क कर रहा था, हम लोग उसका अध्ययन किसमें करेंगे, डायनेमिक्स में। समझ में आया होगा कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है। अब डायनेमिक्स में क्या रीजन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ जाती है, तो रीजन है फोर्स। तो डायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले फोर्स को, डायनेमिक्स में हम किसका अध्ययन करने वाले, फोर्स का अध्ययन करने वाले। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो ये कब तक गति नहीं करेगा, कब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक कि इस पर क्या अप्लाई नहीं किया जाए, फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जब तक इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब ना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना वेलोसिटी आएगी, ना एक्सेलरेशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कब आएंगे, जब इस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई किया जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए। तो इसका मतलब यहां पर हमने कभी भी फोर्स की बात नहीं की थी जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आए थे, उस फैक्टर को हमने नहीं देखा था। पर अब डायनेमिक्स में हम लोग उसी फैक्टर को पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पर कुछ पॉइंट देखने पड़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन को जानेंगे, फोर्स की डेफिनेशन के बाद हम लोग फोर्स की यूनिट को देखेंगे, फोर्स की यूनिट के बाद ये चेक करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हिंदी में कहे तो ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, और फिर आएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स तक। इस तरीके से हम लोग आज अपना लेक्चर पूरा करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स में काफी सारे फोर्स का अध्ययन करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और डायनेमिक्स में बेसिकली फोर्स की चर्चा करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने नहीं की थी, और फोर्स के कारण ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब आते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फोर्स को जानना। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन को जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन को देखेंगे, और डेफिनेशन से पहले मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और उसके बाद डेफिनेशन को लिखूंगा। यहां पर पहले कुछ एग्जांपल ले लिए जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बालक, मान लीजिए ये एक फुटबॉलर है, एक खिलाड़ी है जिसके पास ये फुटबॉल पड़ी हुई है, और अभी ये फुटबॉल रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, गति नहीं कर रही है। अब इस फुटबॉलर ने, इस खिलाड़ी ने इसे किक मारी,
किक मारी मतलब इसे पुश किया, तो फुटबॉल जो रेस्ट पे थी अब वो मोशन करने लग गई और यहाँ तक पहुँच गई। तो इसका मतलब जैसे ही पुश किया, पुश करने पर फोर्स अप्लाई हुआ, और जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ जो रेस्ट पे थी वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो रेस्ट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और मान लीजिए जब ये फुटबॉल मोशन में थी, इस तरीके से आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ पर एक गोलकीपर था, और जैसे ही ये फुटबॉल गोलकीपर के हाथ में आई ये फुटबॉल रुक गई। कहानी को समझना, तो फुटबॉल ने इसे, जो गोलकीपर है उसने फुटबॉल को इस तरह से पकड़ा तो क्या किया उसने, उसने भी फोर्स अप्लाई किया। किसके अपोज में किया कि अगर फुटबॉल मोशन में है तो उसे रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई किया तो फुटबॉल वापस क्या हो गई, जो मोशन में थी वो रेस्ट पर आ गई। इसका मतलब ये है कि किक मारने पर जो रेस्ट पे थी वो मोशन में आई, पर वापस फोर्स अप्लाई करने पर मोशन में थी वो रेस्ट पर आ गई। तो फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर लेता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स अप्लाई करने पर वो मोशन में आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब गति कर रहा है, तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि वो रेस्ट पर भी आ जाए। तो फोर्स के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे और बढ़ते हैं और एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जो फुटबॉल है वो इस तरह से यहाँ पर आ रही थी, तो इसकी डायरेक्शन देखिए मोशन की, इसकी डायरेक्शन इस ओर है, इस खिलाड़ी की ओर है, और खिलाड़ी ने इसे हिट किया, इसे किक दी, तो ये वापस एक अलग डायरेक्शन में होती हुई दूर जाकर गिर गई। तो आपने यहाँ नोट किया कि जो फुटबॉल इस तरह से इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए आ रही थी, फोर्स अप्लाई करने पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी पर अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब यहां से ये भी समझ में आया कि फोर्स अप्लाई करने पर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। किसकी डायरेक्शन? मोशन की डायरेक्शन। कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले कुछ और था, पर फोर्स अप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। ये कहानी आपको समझ में आई होगी। फोर्स अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा कि फोर्स या तो किसी चीज को पुश करना और पुल करना, मतलब या तो किसी चीज को धक्का देना या खींचना, इसे ही फोर्स कहते हैं। और आज इन तीन केस से हमने ये भी देखा कि फोर्स का काम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मोशन में आ सकता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने पर वो रेस्ट पर आ सकता है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फोर्स अप्लाई करने पर चेंज हो सकती है। क्या आपको यहाँ तक जो भी चीजें पढ़ाई गई समझ में आ गई होगी? क्योंकि अभी तक केवल डेफिनेशन को ही समझा गया है और फोर्स के इफेक्ट को समझा गया है। तो अगर फोर्स की डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, अ पुश एंड पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी द स्टेट ऑफ रेस्ट। पॉइंट को समझना, अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें देखिए यहां पर मैंने
लिख दिया है कि फोर्स पुश और पुल टाइप का होता है, या तो किसी चीज को धक्का देना या खींचना ही फोर्स है, जिससे वी चेंजेस और टेंस टू चेंजेस, या तो जिससे बदलाव आए या बदलाव आ जाए या लाने की कोशिश की जाए, किसमें? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ला सके, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे रेस्ट पर ला सके, और साथ ही साथ और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये भी चेंज कर पाए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज पाए, तो कौन करेगा? ये फोर्स करेगा। ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, फोर्स के इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्स के इफेक्ट अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्स के जनरली चार इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें पहला इफेक्ट, इट मे चेंज द स्टेट ऑफ, इट मे चेंज द स्टेट रहने देते, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, जो रेस्ट पर है उसे मोशन में ला सकता है, जो मोशन में उसे रेस्ट पर ला सकता है। ये क्या बता रहा हूं मैं? फोर्स के इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। अभी पहले अपन ये समझ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट देख रहे हैं। पहला समझ में आया, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट पे, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करता, स्पीड तो चेंज करता ही है, साथ में फोर्स लगने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स ऐसे अप्लाई करो तो उसे डायरेक्शन चेंज करके यहां पर जाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तीसरे पॉइंट पे आता हूं, इट मे चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट। स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर सकता है, कोई रेस्ट पर था तो कोई मोशन में था तो उसे या तो रोक सकता है या उसके वेलोसिटी को और बढ़ाकर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो दोनों ही साथ में भी चेंज हो सकते हैं। और साथ ही साथ इट मे चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसे इस तरह से फोर्स अप्लाई करके ब्रेक कर दिया, तो देखिए इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, और साइज भी जो बड़ा था वो छोटा हो गया। जैसे मान लो स्पंज है और उसे अगर मैंने प्रेस किया, स्पंज को प्रेस करूंगा तो उसका शेप पहले अलग था अब अलग हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा। तो कहानी समझ में आई, ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स इन चीजों पर इफेक्ट डालता है, एक तो स्पीड को चेंज कर लेता है, रेस्ट है तो मोशन में ला लेगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला लेगा, या और ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है या कम कर सकता है। साथ ही साथ ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है मोशन की, साथ में दोनों ही एक साथ चेंज कर सकता है, या फिर हम कहें कि शेप और साइज को चेंज कर सकता है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है और मैं बिल्कुल जीरो से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान याद दीजिए। आगे चलते हैं, फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फोर्स की यूनिट को जानना। देखिए, बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि को हम लोग प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंटेड नहीं कर पाएंगे। उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके कंप्लीट नॉलेज के लिए हमें यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं कह दूं कि इसका मास, मास मतलब द्रव्यमान 20 है। अब ये 20 क्या है, किलोग्राम, ग्राम, जब तक मैं यूनिट नहीं बताऊंगा आपको इसका मास एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि के नॉलेज के लिए यूनिट को जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा फोर्स की यूनिट को जानना। बिल्कुल आराम से लेक्चर को आगे तक बढ़ाकर इसे बहुत अप लेवल तक लेकर जाऊंगा, पर पहले बेसिक को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब फोर्स की यूनिट पे मैं जाऊंगा,
तो फोर्स की यूनिट ये मैं वॉश कर देता हूँ, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है यूनिट ऑफ फोर्स। अपन यूनिट को समझेंगे कि यूनिट क्या है फोर्स की। तो आप लोगों ने 11th में यूनिट के सिस्टम पढ़े होंगे, मैं एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा हूं, और आपने साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी देखा होगा, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम इंटू ए, जहां F है फोर्स, M है मास, A है एक्सेलरेशन। तो एमकेएस में हम लोग जानते हैं कि मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन को, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो किसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की। एमकेएस में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को साथ में बोला गया न्यूटन, क्योंकि बार बार ये इतनी बड़ी यूनिट याद रखना कठिन था, इसलिए इसे शॉर्ट में न्यूटन के सम्मान के लिए न्यूटन कहा गया और इसे एन से रिप्रेजेंट करना शुरू किया गया। और इस न्यूटन को हम लोग एसआई सिस्टम में यूनिट मानते हैं। तो आप लोगों को एमकेएस में तो ये ध्यान रखनी है, और इसी को एसआई में यूनिट न्यूटन बोला गया और इसे एन से रिप्रेजेंट किया गया। अब मैं आता हूँ सीजीएस पर। सीजीएस में हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, मीटर कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में, पर सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड का स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में डाइन बोला गया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी को शॉर्ट में डाइन बोला गया। तो एसआई सिस्टम तो न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम डाइन है। आप लोग जरूर जानते होंगे कि एक मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। देखिए ये तो एमकेएस में, ये सीजीएस में, जैसे आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन है वैसे ही इधर भी एमकेएस और सीजीएस में रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन होता है, जरा देखिए 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक जो न्यूटन है, एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन के। ये बात कर ली हमने यूनिट की, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस में डाइन होती है, और इन दोनों में रिलेशन यहां पर 1 न्यूटन = 10^5 डाइन प्राप्त होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और फोर्स कैसी क्वांटिटी है उसको समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर चर्चा कर ली जाए। तो बालक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आप लोग वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं, बल एक सदिश राशि है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप लोग जरूर जानते होंगे कि वेक्टर में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण कहते हैं, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कितना हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया, मान लीजिए ये फोर्स 10 न्यूटन का है, तो जो 10 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। और साथ में डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग मोशन को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक 5 न्यूटन और दूसरा भी 5 न्यूटन, पर मैंने आपको इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं बता सकते। पर अगर मैं ये कहता कि पहला फोर्स इस डायरेक्शन में और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तो आप कहते कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये ब्लॉक इस तरह से आगे की ओर जाएगा। अगर मैं कहता कि पहला फोर्स इस तरह से 5 न्यूटन लगाया गया है और दूसरा फोर्स इस तरह से 5 न्यूटन लगाया गया, तो आपको समझ में आता कि ये ब्लॉक सही नहीं जाएगा, क्योंकि जितना आगे फोर्स अप्लाई हुआ है उतना ही पीछे भी फोर्स अप्लाई हुआ है, और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे और ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में ही मिलेगा,
तो जब तक मैंने डायरेक्शन नहीं बताई तब तक आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं समझा पाओगे। इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का पता होना भी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही होगी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब आपको वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 11th में पढ़े हैं उनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो जो काम में आने वाली चीज है उनका बेसिक इधर ही कंप्लीट करवा कर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत वेक्टर पर जाता हूँ और जो जो चीजें मुझे याद समझानी है वो मैं क्लियर करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं। मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था जिसके दो पार्ट थे, एक था काइनेमेटिक दूसरा था डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में मैंने कहा था कि मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, पर ये पैरामीटर्स क्यों आ रहे हैं ये काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब काइनेमेटिक्स में आपने पढ़े, पर इनकी कॉज को हमने डायनेमिक्स में देखा और डायनेमिक्स में बेसिकली इनका कारण था फोर्स और फोर्स को पढ़ा। फोर्स की डेफिनेशन में आपको समझा चुका हूं, पुश और पुल ही होता है जिसके कारण या तो स्पीड चेंज हो जाती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है या शेप और साइज चेंज हो जाता है, इसे अपन फोर्स कहते हैं। फोर्स की यूनिट मैंने समझा दी, SI यूनिट इसकी न्यूटन है, CGS यूनिट इसकी डाइन है, और न्यूटन और डाइन में रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए कि एक न्यूटन होता है 10^5 डाइन। आगे चलकर मैंने बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा डायरेक्शन भी चाहिए होगी। अब मैं थोड़ा सा वेक्टर में जा रहा हूँ और जो चीजें काम की है थोड़ा बहुत यह समझा रहा हूँ। आपने कंपोनेंट करने सीखे होंगे वेक्टर के, मैं कंपोनेंट की बात करने वाला हूँ और एक ट्रायंगल की भी बात करने वाला हूँ जो बार बार आपको यूज में लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को थोड़ा सा डीप जाके समझते, इतना ही समझाऊंगा कि अपना काम निकल जाए इस चैप्टर में। बाकी वेक्टर के लिए एक अलग से वीडियो जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब बना दिया जाएगा। देखिए बालक, ये तो मैं समझा चुका हूं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और आप लोग जरूर जानते होंगे कि डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हिंदी में इकाई सदिश कहा जाता है। हिंदी में यूनिट वेक्टर को इकाई सदिश कहा जाता है। जैसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप होता है। यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को समझते, पर इतनी छोटी छोटी बातें अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये वेक्टर वाले चैप्टर में देख ली जाएगी। पर अभी मैं वेक्टर के कंपोनेंट करना आपको सिखा रहा हूँ, वेक्टर के कंपोनेंट और हिंदी में कहे तो सदिश के घटक करने सिखा रहा हूँ। वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते समझते। सबसे पहले तो कंपोनेंट करने के लिए मैं जो कह रहा हूं वो पॉइंट पहले आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिसका कंपोनेंट आप करना चाहते हो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तभी हम लोग कंपोनेंट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि कंपोनेंट करने हैं तो चेक कीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी किसी न किसी एक्सिस या लाइन के साथ कुछ एंगल बनानी चाहिए। मतलब ये किसी न किसी लाइन या एक्सिस के साथ कुछ एंगल ड्रॉ करना चाहिए, कुछ एंगल बनना चाहिए, कुछ स्लोप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में अब कितने कंपोनेंट होंगे, तो जनरली जब 2D की बात की जाती है तो दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो सबसे पहले देखिए कंपोनेंट करने के लिए कि क्या जिसका कंपोनेंट कर रहे वो वेक्टर है। हाँ है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मैं कह रहा हूं कि
इसके कंपोनेंट करने के लिए दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे, और दोनों ही घटक एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, एक तो इस तरह से कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल और एक इस तरह से कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल, और ये दो कंपोनेंट इस फोर्स के हमको मिल जाएंगे। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं पहले ये चेक कीजिए, सेकंड ये देखिए क्या ये कुछ एंगल पर है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रही है, कितना थीटा, ये एंगल पर है तो हम इस फोर्स के कंपोनेंट अब कर सकते हैं, और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल में, दूसरा होगा वर्टिकल में, और दोनों कंपोनेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। देख लीजिए ये पहला कंपोनेंट जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया, ये दूसरा कंपोनेंट जिसे मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया, और दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जिसको करना नहीं आता उसके लिए एक बार ये चीजें सीख लीजिए, बाकी इसको डीप तो वेक्टर में ही समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए थीटा जो आ रहा है उसके साथ में इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, जहां पर थीटा हो वहां पर कॉस थीटा साथ में लगा देना, और जहां पर थीटा नहीं हो या थीटा नहीं है तो यह आएगा एफ साइन थीटा। इसे डिटेल में समझने के लिए वेक्टर के लेक्चर बनाएंगे, तब आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा कि ये कंपोनेंट कैसे होते हैं और मैं इधर ऐसा क्यों कह रहा हूं, बाकी अभी याद रखने के लिए बता रहा हूं जिससे कि आपको वो समस्या ना हो जब भी हम कंपोनेंट्स करें। तो कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला आप देखोगे वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, दूसरा आप देखोगे किसी एंगल पर होना चाहिए, तीसरा कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो आप कहोगे दो कंपोनेंट्स होंगे, दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, तो दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा वर्टिकल, और जहां थीटा आ रहा है वहां तो आएगा कॉस, और जहां थीटा नहीं है वहां आएगा साइन। ये हो गई कंपोनेंट्स की बात, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कंपोनेंट्स में आप रुकोगे नहीं और जरूरत पड़ेगी तो जब इसको अप्लाई करना पड़ेगा तो ये बातें आपको याद। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने सीख लिए हैं, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों ने 11th में इसे कंप्लीट समझा होगा, पर एक बार इसे यहाँ पर भी देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक वेक्टर मान लिया ए है, दूसरा वेक्टर मैंने एज्यूम किया बी है, और दोनों के बीच का एंगल ए और बी, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ना कहीं इस तरह से बीच में होगा जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो वेक्टर ए और बी है इनके बीच का एंगल थीटा है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। थीटा पर डिपेंड कैसे करेगा ये भी यहां पर समझ लेते हैं, दो या तीन केस लेते हैं और इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए यदि मैं कह दूं केस फर्स्ट में, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब बी भी ए के पैरेलल हो जाए, मतलब बी वाला जो वेक्टर है वो भी ए पर ही आ जाए और दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो ये थीटा अब 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना डायग्राम कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे पर ही होंगे। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने पर रिजल्टेंट वेक्टर अपन देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 0 डिग्री।
और आप लोग जानते होंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आर इक्वल टू, इसे मैं लिख लेता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट को सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जब थीटा 0 हो मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट जुड़कर आएगा, मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर दो बल लग रहे हैं, एक बल 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा बल 5 न्यूटन का भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी, वैसे ही फोर्स जो है उनकी डायरेक्शन मैंने सेम मानी है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट यहां से क्लियर हो चुका है, ऐड होकर आने वाला है और टोटल मिलेगा 10 प्लस 5, मतलब इस बॉडी पर 15 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस को समझते हैं। सेकंड केस में बालक में थीटा का मान 180 डिग्री लेता हूं, थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री लेता हूं तो इसका मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। 180 डिग्री का मतलब यह है कि एक वेक्टर अगर ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, और देख लीजिए दोनों के बीच का एंगल मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। और जब मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर, ये रहा फॉर्मूला, और थीटा की जगह पर 180 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे -1 होती है, तो r की वैल्यू मुझे मिली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 हो जाएगा -1। अगर ये -1 हो जाएगा तो r इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2ab। इसे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, आर इक्वल टू रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को सॉल्व करने के बाद मिलेंगे ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर तो ऐड होकर आया था जबकि यह सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि पहले तो डायरेक्शन सेम थी, अब डायरेक्शन अपोजिट है। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करें तो जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्स एज्यूम करते हैं, 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देख पा रहे होंगे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट यहां से क्लियर हो चुका है कि सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन इसमें 5 न्यूटन, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 न्यूटन फोर्स मिलेगा। और किस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, और हम जानते हैं इधर 10 न्यूटन लग रहा था और यह 5 न्यूटन, तो ये 10 की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 5 ही होगा, 5 न्यूटन ही होगा। इसका केस थर्ड भी समझ लेते हैं जिससे कि तकलीफ न हो आगे, बड़ी बेसिक चीजों की चर्चा चल रही है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से ही आपको आगे बढ़ाया जाए जिससे कि अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपकी प्रॉब्लम रही हो तो वो सॉर्ट आउट इधर ही हो जाए जिससे आगे आपको तकलीफ न हो। मैं केस थर्ड पे आता हूं। केस थर्ड में मैं मान लेता हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री माना है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे तो मैं यह ड्रॉ करता हूं कि अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मुझे इस तरह से मिलेगा, जिनके बीच का एंगल होगा बालक 90 डिग्री। और जब मैं थीटा की वैल्यू या 90 पुट करूंगा तो cos 90 हम लोग जानते हैं शून्य होता है, जीरो होता है, तो r इक्वल टू मुझे मिलेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 डिग्री जीरो हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, r की वैल्यू हमें मिलेगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक जो भी चीजें बताई गई वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इसका डायरेक्ट यूज करें तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
इसमें तीन चीजें हमने सीखी कि अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट ऐड होकर आएगा। सेकंड में सीखा कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। और थर्ड में हमने सीखा कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो फोर्स होगा, जैसे फोर्स एफ वन और एफ टू है तो रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों को इनकी वैल्यू मिलेगी। तो यहां तक तो वेक्टर की कहानी हुई। एक छोटे से ट्रायंगल को और समझाना चाहता हूं जिसमें 37 डिग्री और 53 डिग्री जैसे एंगल यूज में होते हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेंगे, इसलिए मैं उस ट्रायंगल को भी यहीं पर समझाता हूं, फिर अपने टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं और ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। इस एंगल को मैं अगर 37 डिग्री मानूं तो आप लोगों को पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 हुआ, ये 37 हुआ, तो बचा हुआ ये होगा 53 डिग्री। अगर इस तरीके से आपको एंगल गिवन हो 53 डिग्री या 37 डिग्री, जो कि जनरली होते हैं, तो आपको ये ट्रायंगल से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसे याद कैसे करते हैं इनकी वैल्यू को वो भी देख लीजिए। 37 डिग्री के सामने वाली जो ये साइड है इसकी वैल्यू होगी 3 और ये वाली साइड होगी 4 और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा 5। तो आपको ध्यान रखना, हाइपोटेनस तो हमेशा 5 होगा ऐसे ट्रायंगल में जिसमें 37 या 53 डिग्री वाले एंगल हो। बाकी 37 के सामने वाली जो साइड होगी उसे उसकी वैल्यू 3 होगी और 53 के सामने वाली जो साइड होगी उसकी वैल्यू 4 होगी। इसका यूज कैसे आता है तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बात कर दी जाती, जैसे मैं एक एग्जांपल से ही क्लियर कर लूं। मान लीजिए एक बॉडी है जिस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया और ये फोर्स कह दिया गया कि 37 डिग्री पर अप्लाई हुआ है, और अगर आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ रहे तो कंपोनेंट में मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं और हम यहां देख पा रहे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, मैंने यहां पर बात की थी कि जो जिसका कंपोनेंट लेना है वो किसी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल पर होना चाहिए, तो देख लीजिए फोर्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल पर है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। अब मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं तो पहले ही बता चुके कंपोनेंट दो होंगे और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर एक तो कंपोनेंट मिलेगा इसका हॉरिजॉन्टल में और एक मिलेगा इसका वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में मिलेगा f cos, जहां थीटा है वह cos आएगा और थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री। तो देखिए यहां पर मुझे cos 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी, और sin cos किसी की भी वैल्यू अपन ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये तो आपने 9th और 10th में भी पढ़ा है। तो किस तरीके से ये एंगल यूज में आएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और टॉपिक पर वापस लौटता हूं। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे जिसमें हमको फोर्स की बात करनी थी। ये तो बेसिक की बात हुई जो कि हमने अभी तक पढ़ा। अब हम टाइप ऑफ फोर्स पे जाएंगे और फोर्स कितने टाइप के होते हैं इन्हें समझेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ फोर्स पर चर्चा करते हैं। तो अपना अब टॉपिक होगा टाइप ऑफ फोर्स। जनरली फोर्स को, फोर्स का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, पर हम यहां पर इसका क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स के रेफरेंस में करेंगे, क्योंकि हम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स के रेफरेंस में इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको फंडामेंटल फोर्स को समझा देता हूं और इनके नाम बता देता हूं, जिससे कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा पाए। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल फोर्स चार टाइप के होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये फंडामेंटल फोर्स होते क्या है? तो ऐसे फोर्स जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे फोर्स से न बने हो, ऐसे फोर्स को फंडामेंटल फोर्स कहते हैं।
और ये फोर्स चार टाइप के माने गए हैं। इनके नाम क्या है जरा उस पर चर्चा करते हैं। पहले फंडामेंटल फोर्स माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने 11th में इसे बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा है। दूसरा माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा माना जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा माना जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार टाइप के फोर्स माने जाते हैं। अब फंडामेंटल फोर्स वे फोर्स होंगे जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में एक फोर्स है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरीके से हर फोर्स अपने आप में एक इंडिविजुअल फोर्स है, पर बाकी जितने भी फोर्स इनके अलावा पढ़ने वाले हैं वो जरूर इन चारों में से किसी न किसी से निकले होंगे, किसी न किसी के ही फॉर्म्स होंगे। तो ये तो बात हुई फंडामेंटल फोर्स की। इसमें चलो मैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं और इसके टॉपिक को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स से लगने वाला जो फोर्स है उसे हम यूज में लेंगे। तो टॉपिक पर आएंगे अब, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है। अगर कोई भी दो बॉडी है जिनके कुछ न कुछ मास जरूर होंगे, क्योंकि बिना मास के बॉडी बन ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये बॉडी और ये वाली बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी, कभी भी रिपल्सन नहीं करेगी। इसकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव टाइप की होती है। तो आप लोगों ने इसका बेसिक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा 11th में, कि मान लीजिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास M1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास M2 है, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस में R मानता हूं। तो इन दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R2, जहां G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और ये जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। बाकी जितने भी कांस्टेंट हम लोग देखेंगे आगे वो किसी ना किसी मीडियम पर जरूर डिपेंड कर रहे होंगे, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में, हर जगह अलग अलग होंगे। पर ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो वैक्यूम, एयर या किसी भी मीडियम में सेम रहता है। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। पर हम लोगों का टॉपिक क्या है जरा इस पे आते हैं। हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। हम लोग अर्थ के कारण लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने वाले हैं। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है जरा देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर ये यह अर्थ बनाई जिसका सेंटर पॉइंट में यहां एज्यूम करता हूं, इसे ही अर्थ का सेंटर ऑफ मास भी मानेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक दूसरा ब्लॉक ड्रॉ किया जिसका मास एम है। तो देखिए, अगर अर्थ का मास ME है, रेडियस RE है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हुए जिनके मास हमको गिवन है, अर्थ का मास ME और इस ऑब्जेक्ट का मास M। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और इसकी वैल्यू यहां से निकाली जाएगी। कितनी आती है जरा हम लोग देखेंगे। F इक्वल टू हमें मिलेगा G, M1 का मतलब
जो ये वाला अर्थ है इसका मास एम ई, ये एम वन की जगह एम टू का मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल एम अपॉन बीच की सेपरेशन डिस्टेंस की बात करें तो ये होगी आर ई का स्क्वायर। अब यहां पर एक टर्म्स आपको दिख रहा होगा ये वाला, आपने 11th में इस टर्म्स को देखा होगा कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वाला जो वैल्यू है ये इक्वल माना जाता है स्मॉल जी के। और आप जानते होंगे स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम की जाती है। खैर यह हाइट बढ़ने पर या डेप्थ बढ़ने पर या अर्थ के अलग अलग जगह पर चेंज होती है, पर हम लोग इसे फिर भी कांस्टेंट मान के चलते हैं अगर ज्यादा हाइट पे नहीं गए हैं तो। और इसकी वैल्यू मानी जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला टर्म जी होता है जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिलेगी, एम तो है ही और ये जी भी मिल जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिला, हमको फोर्स मिला, किस पर मिला, ऑब्जेक्ट पर मिला कि स्मॉल एम वाले ब्लॉक या ऑब्जेक्ट पर अर्थ के कारण नीचे की ओर एम जी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अर्थ इसे एम जी फोर्स से नीचे की ओर खींच रही होगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसका मास कुछ न कुछ होगा, मैं एम मान लेता हूं, और अगर मैं इसे फ्रीली छोड़ दूं तो ये नीचे की ओर आएगा और कितने फोर्स से आएगा, तो अर्थ इस पर एम जी फोर्स अप्लाई कर रही होगी, एम इंटू जी फोर्स से ये नीचे की ओर आ रहा होगा। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन की बात करेंगे। मान लीजिए हमने ये अर्थ ड्रॉ की जिसका सेंटर ओ पॉइंट, और मान लो ऊपर एक ब्लॉक बनाया जिसका मास एम है। इस मास एम के पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नीचे की ओर लगेगा, और डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपके रेस्पेक्ट में होगा कि अगर आप सतह पर खड़े हैं तो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी फोर्स लगेगा। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे आते हैं, अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो नीचे की ओर। अब ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपके रेफरेंस से कहा जाएगा कि अगर आप अपने रेफरेंस से देखो तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, पर अर्थ के रेफरेंस से देखोगे तो ये होगा टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर। जैसे इस ब्लॉक की पोजिशन को मैं चेंज करता हूँ और ब्लॉक की पोजीशन को मैं यहां लाता हूं, तो जरा देखना वर्टिकली डाउनवर्ड लगना चाहिए। और वर्टिकली डाउनवर्ड आप किस तरह से खड़े होंगे यहां पर, तो आप कुछ इस तरह से खड़े होंगे, आप अर्थ से जुड़े हुए ही तो होंगे, हवा में थोड़ी होंगे, तो आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड अभी भी इधर ही है, तो देखिए फोर्स इधर ही लग रहा है एम जी। और अर्थ के लिए ये कहा है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर, तो यहां पर भी अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा था, यहां पर भी अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा था। मान लीजिए इस ब्लॉक की पोजीशन यहां होती तो एमजी फोर्स कहां अप्लाई होता, देखते हैं। एमजी फोर्स लगता वर्टिकली डाउनवर्ड आपके रेफरेंस से, और अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ तो आप कुछ इस तरह से खड़े होंगे, आपके पैर जो होंगे वो यहाँ पर सरफेस पर होंगे, तो आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से होना चाहिए नीचे की, और आपके लिए ये होगा मतलब एम जी अभी भी इधर ही लगेगा। और अर्थ के रेफरेंस में देखे तो टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर ही लग रहा है। तो हर केस में हम देख चुके हैं कि ब्लॉक को कहीं पर भी रख दो, या तो आप अपने रेफरेंस में देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और अगर आप अर्थ के रेफरेंस में देखोगे तो ये टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगा, अर्थ के सेंटर की ओर होगा। यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लोग समझ चुके होंगे, अब पता चल चुका होगा कि किसी भी ब्लॉक पर कितना फोर्स लगता है, एमजी फोर्स लगता है।
कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है आपके रेफरेंस से, पर अगर आप अर्थ को रेफरेंस मानोगे तो ये टूवर्ड सेंटर ऑफ दी अर्थ होगा, मतलब अर्थ के सेंटर की ओर होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अब आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करते हैं, पर उससे पहले मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि बालक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इस फोर्स को ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हम लोग ये सब लोग ये जरूर जानते होंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना है। जैसे ये मार्कर है तो ये किससे बना होगा? एटम से बना होगा। और एटम किससे बना होगा? तो एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे और इसके अराउंड में एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होगा और इस न्यूक्लियर के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, सर्कुलर मोशन में होंगे। ये हम लोगों ने 11th में देखा है, 9th-10th से ही देखा है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर छोटी सी जगह पर प्रोटॉन बहुत सारे आ जाए तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन हो रहा है तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, पर ये टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसका काम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखना, जिससे कि न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो जाए। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो 12th में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, पर अभी यह नाम आया इसलिए यहाँ पर एक बार मैंने इसकी छोटी सी बातें इसके इससे रिलेटेड आपसे कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रिनो, जैसे प्रोजिट्रॉन, ठीक है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर से किसी स्पेशल कंडीशन में एमिट होते हैं, और जब वो एमिट होते तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। खैर, ये सब डिटेल में बताया जाएगा 12th में, अभी ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और यहाँ हमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही अच्छे से डील करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिटेल में समझाता हूँ। तो अपना सेकेंड पॉइंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर इसके तीन टाइप की क्लासिफिकेशन करूंगा, इसकी तीन टाइप की कैटेगरी करूंगा। ये मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। यहां पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, जिसमें फर्स्ट है फील्ड फोर्स, सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड थर्ड है अटैचमेंट रिलेटेड फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है और एक एक कैटेगरी को अब समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखेंगे अपन फील्ड फोर्स को। तो फील्ड फोर्स क्या होता है जरा इस पे बात करते हैं। हेलो, फील्ड फोर्स क्या होता है इस पे बात करते हैं। तो देखिए, फील्ड फोर्स ऐसे फोर्स होंगे जो बिना कांटेक्ट में आए लग सकते हैं, जो बिना कांटेक्ट में आए भी लग सकते हैं। दो बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे फोर्स को फील्ड फोर्स कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि अगर हम दो चार्ज की बात करें
एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और दोनों चार्ज अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट हो रहे हैं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस r है, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स अप्लाई हुआ। इसका सेकंड एग्जांपल इसके अलावा भी देखेंगे तो आपने मैग्नेट जरूर देखे होंगे, और मैग्नेट में आपने बचपन में इससे खेल भी रचे होंगे। इसमें दो मैग्नेट को बिना कांटेक्ट में लाए भी जब डिस्टेंस में रखा जाता है, तब भी या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। तो मैग्नेट में भी बिना कांटेक्ट में आए फोर्स अप्लाई हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड आता है, इस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई दूसरा मैग्नेट इस फील्ड के अंदर आ जाए तो इस पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है बिना कांटेक्ट में आए भी। ऐसे ही चार्ज के केस में भी होता है, एक चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, मतलब बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। ऐसे फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहेंगे। और ये फील्ड फोर्स दो टाइप के होंगे, जिसमें पहला होगा इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। आपने 12th में इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो 12th में आप जरूर पढ़ोगे। इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर ली जाए। दो चार्ज के बीच में लगता है, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। और अगर ये दोनों रेस्ट फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ये फोर्स होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। आगे आप पढ़ोगे, हम लोगों को फील्ड फोर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को इधर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए इसके केवल नाम और फॉर्मूला बता रहा हूं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच में लगता है, आप लोगों को पता है, और ये भी 12th में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फील्ड फोर्स क्या होते हैं समझ में आया होगा कि बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, और ये दो टाइप के माने जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फील्ड फोर्स दो टाइप के होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, और ये फोर्स बिना कॉन्टेक्ट में आए भी लग सकते हैं। अब मैं आता हूं कांटेक्ट फोर्स पर, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। कांटेक्ट फोर्स तभी अप्लाई होगा जब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, और ये कांटेक्ट फोर्स दो फोर्स के कॉम्बिनेशन से आएगा। वो दो फोर्स कौन से हैं जरा देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स दो फोर्स के कॉम्बिनेशन से आएगा, मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि ये 12th में पढ़ेंगे, अभी काम का नहीं है। एक बार केवल आपको मैंने समझा दिया कि फील्ड फोर्स क्या होते, अब चलेंगे अपन कांटेक्ट फोर्स पे। कांटेक्ट फोर्स दो फोर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हिंदी में कहे तो 11th में पढ़ा होगा प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक और होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जब निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है कांटेक्ट फोर्स। पर चूंकि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पे बात नहीं करने वाले और सरफेस को स्मूथ मानने वाले हैं। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो अब इन दोनों की जगह एक ही फोर्स प्राप्त होगा, क्योंकि इसे जब स्मूथ सरफेस की बात करेंगे तो जीरो मान लेंगे। उस कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। बाकी कांटेक्ट फोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, इसे तो इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बाकी फ्रिक्शन फोर्स को अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी इधर नाम लिखे और डिटेल में आगे चलकर अभी पढ़ने वाले इसी लेक्चर में।
आगे चलते हैं और अटैचमेंट रिलेटेड फोर्स की बात करते हैं। अटैचमेंट रिलेटेड फोर्स में दो टाइप के फोर्स कंसीडर करेंगे, जिसमें एक होगा टेंशन फोर्स और दूसरा होगा स्प्रिंग फोर्स। ये कुछ हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप्स को देखा। क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें फील्ड फोर्स को नहीं पढ़ा जाएगा, फील्ड फोर्स को 12th में डिटेल में देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम स्मूथ सरफेस को कंसीडर करते हैं, मतलब फ्रिक्शन कार्य नहीं करेगा, फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा होगा। और अटैचमेंट रिलेटेड फोर्स में टेंशन फोर्स को और स्प्रिंग फोर्स को समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बेसिकली तीन फोर्स के साथ डील करने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। और इन तीनों फोर्स को पहले समझेंगे और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कि अभी काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसका थर्ड लॉ एक बार देख लेते हैं। न्यूटन का तीसरा जो लॉ है एक बार समझते हैं, उसके बाद इन तीन फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा मैं बेसिक से चल रहा हूं, स्पीड काफी धीमी रखी है जिससे आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे तो एफबीडी तक एक भी डाउट नहीं रहेगा और हर बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में थर्ड लॉ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में कहे तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होगा। जैसे मैंने बोर्ड पर फोर्स अप्लाई किया तो बोर्ड भी मुझ पर फोर्स अप्लाई करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जैसे ही टच में आएगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, तो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहने का तात्पर्य हर एक्शन का रिएक्शन होगा। और कितना फोर्स लगेगा, जितना एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगा रही है दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा परंतु डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इस बॉडी ने नीचे लगाया तो दूसरी बॉडी इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। और यहां पर लगने वाले फोर्स को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्योंकि दो फोर्स लगेंगे, एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन मिलेगा, और ऐसे फोर्स को हम कहेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हमको यही समझना है कि कौन से फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इसकी भी कुछ कंडीशन है, हर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। कैसे जरा देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये फोर्स लग रहा है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, ये दो फोर्स होंगे, रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, मतलब दो अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए, तभी एक्शन रिएक्शन फोर्स हो सकते हैं। एक ही बॉडी पर अगर फोर्स लग रहे हैं तो वो कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। एक्शन रिएक्शन के लिए
दो बॉडी होनी चाहिए और दोनों बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम होना चाहिए। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी उस पहली बॉडी पर 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए दोनों फोर्स की। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए मतलब एक फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऊपर लगना चाहिए। ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट है कि नेचर ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम। फोर्स का नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर का मतलब अगर एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो दूसरा फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर ये सारे पॉइंट फॉलो होंगे तो ही एक्शन रिएक्शन पेयर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट क्या है जरा देख लीजिए, एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए टू बॉडी होनी चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लग सकता। तो दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहां तक की कहानी समझ में आई। और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम, मतलब जो फोर्स का नेचर है वो सेम होना चाहिए। कैसे सेम होना चाहिए, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो दूसरा वाला फोर्स भी, एक्शन वाला फोर्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होना चाहिए, वो दूसरे टाइप का फोर्स नहीं होना चाहिए, तब जाके एक्शन रिएक्शन पेयर माना जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए अपने पास एक ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका मास m, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये जान चुके हैं कि मास जो m ब्लॉक है उस पर अर्थ की ग्रेविटी एक फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो अगर मैं इस पर फोर्स की बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना लगेगा, mg, अभी बात की थी। तो अगर इस ब्लॉक ने mg फोर्स अर्थ पर लगाया है तो अर्थ भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगी। इस सरफेस को मैं बना रहा हूं जो कि अर्थ की ही सरफेस है, पूरी अर्थ की ही सरफेस होगी, और इस सरफेस के कारण भी एक फोर्स ब्लॉक पर लगेगा। इसने ब्लॉक ने अगर सरफेस पर लगाया तो सरफेस भी ब्लॉक पर लगाएगी, और कितना लगाएगी, जितना इसने लगाया mg ही लगाएगी। तो देखिए इसने एक्शन दिया तो सरफेस ने रिएक्शन दिया, ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स। और चार पॉइंट देख लीजिए आप, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो देखिए ये अलग बॉडी थी, ये अलग बॉडी थी, दो अलग अलग बॉडी अपने पास थी। दूसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, ये अगर mg है तो ये भी mg है। तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट, मतलब अगर ये नीचे लग रहा है तो ये ऊपर लगेगा, और साथ में नेचर ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, दोनों के नेचर भी सेम है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर माने जाएंगे। जितना फोर्स ब्लॉक ने लगाया उतना ही फोर्स सरफेस ने भी लगाया, ब्लॉक ने mg लगाया तो सरफेस ने भी mg लगाया। कहानी समझ में आई, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे। जैसे मान लो ये सरफेस है या एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और देख लीजिए ये कॉन्टेक्ट में आया, और टाइप ऑफ फोर्स में अभी भी बताया था कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें दो पार्ट बताए थे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। मैं फ्रिक्शन की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करना चाहता हूं जो कि दो बॉडी के कॉन्टेक्ट में होने से लगता है। देख लीजिए ये दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में, ये ब्लॉक ये सरफेस दोनों कॉन्टेक्ट में है इस तरह से,
जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, तो दोनों कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आते ही एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ब्लॉक भी लगाएगा और सरफेस भी लगाएगी। और कैसे लगाएगी, तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, जो ये कांटेक्ट सरफेस है दोनों के बीच की जो सरफेस है इनके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। ये ब्लॉक सरफेस पर लगाएगा मतलब नीचे की ओर, और सरफेस ब्लॉक पर लगाएगा मतलब ऊपर की ओर। पर रहेंगे कैसे, ये जो कांटेक्ट सरफेस है जहां पर ये कांटेक्ट में आए उसके परपेंडिकुलर, या तो नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे, पर रहेंगे 90 डिग्री पर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में ड्रॉ करता हूं, देखिएगा ब्लॉक के लिए ड्रॉ कर रहा हूं ब्लॉक और नीचे बनाता हूं सरफेस। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, टू डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है, तो मेरे पास दो डिफरेंट बॉडी है। आगे देखिए, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में होने के कारण नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और कहां लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये ब्लॉक, ये सरफेस ब्लॉक पर लगाएगा, और ब्लॉक पर लगाएगा तो ऊपर की ओर लगेगा, ये नॉर्मल। हाँ, अब अगर ब्लॉक पर सरफेस में लगाया तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के कारण ब्लॉक भी सरफेस पर लगाएगा, इसने ऊपर लगाया है तो सरफेस पर कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब चारों पॉइंट आप देख लीजिए, टू डिफरेंट बॉडी यस अपने पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम यस, ये एन है तो ये भी एन है, डायरेक्शन अपोजिट, एक ऊपर दूसरा नीचे, नेचर ऑफ फोर्स सेम है, देख लीजिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जबकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों आपस में अलग है। तो नेचर ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम, मतलब एमजी एमजी मतलब ये दोनों सेम नेचर के, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाए। वैसे यहां पर भी सेम नेचर के होने के कारण एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाए, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर की कहानी। तो नॉर्मल फोर्स में आपको समझ में आया कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ का ऑबे करेगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर नॉर्मल लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पर नॉर्मल लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीन टाइप के जो फोर्स है उधर चलते हैं। अगला अपना टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कुछ पॉइंट पहले ही क्लियर कर देता हूं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है, पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं। कॉन्टेक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, दो फोर्स के कॉम्बिनेशन से आते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो एक कंपोनेंट तो नॉर्मल फोर्स किसका कंपोनेंट है, कॉन्टेक्ट फोर्स का, अभी इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़े टाइम बाद। आगे नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। इस पॉइंट को देखते हैं, अभी अभी बता भी दिया फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक सरफेस है, मान लीजिए अपने पास ये एक सरफेस है और इस पर मैंने ये ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक और ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांटेक्ट में होना चाहिए, तो कांटेक्ट में है, जितनी बार कांटेक्ट में होगा उतनी ही बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये एक ही बार कॉन्टेक्ट में इसके साथ तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर एक और ब्लॉक होता तो देखिए ये इसके साथ भी कॉन्टेक्ट में है तो इधर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जितनी बार कांटेक्ट में आएगा उतने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होंगे, तो कांटेक्ट में होना चाहिए पहला पॉइंट, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा पॉइंट,
फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेस. ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा. इस ब्लॉक पर अगर मुझे फोर्स बताना है तो परपेंडिकुलर कैसे बताऊंगा, ये सर्फेस है इसके परपेंडिकुलर, ये सर्फेस इस पर इस तरह से ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी. ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है. ये ब्लॉक पर लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, सर्फेस. और कितने डिग्री पर लगाएगा, 90 डिग्री पर. तो आपको क्या करना है देख लीजिए अच्छे से, आपको कॉन्टेक्ट सर्फेस को ढूंढना है और कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर नॉर्मल लगेगा. और नॉर्मल इज द एक्शन रिएक्शन फोर्स. तो जितना सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया है उतना ही ब्लॉक भी सरफेस पर लगाएगा, ठीक है. पर अभी मैं तो मैं केवल ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो सरफेस ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, एन. आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिख ही देता हूं मैं कि इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. आगे एक और पॉइंट देखते हैं, इट ट्राई, ये हमेशा ट्राई करेगा, ऑलवेज पुश या प्रेस करने की कोशिश करेगा ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करेगा. जैसे ये सरफेस इस ब्लॉक पर कैसे फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी कि ये सरफेस इसे पुश करे, पुश करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा. और प्रेशर, ये सरफेस प्रेशर कैसा लगा सकती है, ऊपर की ओर, इसलिए मैंने ड्रॉ ऊपर की ओर की. तो ब्लॉक पर नॉर्मल कैसे बना, समझ में आया. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए आप क्या क्या पॉइंट ध्यान रखोगे चर्चा करते हैं चलो. सबसे पहले कॉन्टेक्ट में होना चाहिए क्या, यस कॉन्टेक्ट में होना चाहिए. कहां लगेगा, जो कॉन्टेक्ट में सरफेस मिल रही है, जैसे ये दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट में जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर. क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट अगर इस पर लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पर लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा. एक्शन रिएक्शन पेयर को मैं क्लियर कर चुका हूं. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, इट ट्राइज ऑलवेज पुश ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. मतलब ये हमेशा क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को दबाने की कोशिश करता है. जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर है तो नॉर्मल कैसे लगाएगा, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसे दबाने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे लगाएगा. और ये वाला दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये इस पर कैसे लगाएगा, ये भी पुश करने की कोशिश करेगा, प्रेशर लगाएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी. तो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे, वो देखना पड़ेगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे उसको प्रेस कर सकता है, कैसे उसे पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है. तो देख लीजिए सरफेस इस तरह से इसे पुश करेगा, और अगर सरफेस पे देखता तो बॉडी नीचे की ओर लगा रही होती. पॉइंट क्लियर हुए होंगे. तो क्या क्या चेक करोगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए, कॉन्टेक्ट सरफेस. दूसरा कैसे लगाओगे, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. ब्लॉक भी लगा रहा होगा और सरफेस भी लगा रही होगी, दोनों ही चीजें लगा रही होगी, ठीक है. और इसके अलावा चौथा पॉइंट ही हमेशा क्या करेगा, पुश करने का प्रयास करेगा. चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखे जाए कि कैसे अप्लाई होता है. आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं. एक भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप ध्यान याद रखोगे. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जिसमें ये सरफेस ली मैंने, इस पर मैंने एक ब्लॉक को रखा जिसका मास एम है, और मैं चाहता हूं कि आप नॉर्मल रिएक्शन पेयर ड्रॉ करो. तो देखिए नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, इसे मैं शॉर्ट में नॉर्मल फोर्स कहूंगा. नॉर्मल फोर्स जो है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है. तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, कैसे लगेगा, कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट में भी है, और कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर. तो देखिए सबसे पहले मैं ब्लॉक को अलग करता हूं और इस ब्लॉक पर कैसा लग रहा होगा देखते हैं. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कौन लगाएगा, सरफेस लगाएगा. किस पर लगाएगा, ब्लॉक पर. और कैसे लगाएगा कि इसे पुश करे, और सरफेस पुश करने के लिए कहां लगाएगा, ऊपर. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगा एन. पर अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए सरफेस पर फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो देखिए अगर सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया ऊपर
तो ब्लॉक भी सरफेस पर लगाएगा पर नीचे लगाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके कारण फोर्स लगेगा इधर पर, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब आप देख लीजिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ये पहले एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया मैंने, ये इसका सॉल्यूशन है। इसे मैं तीन केस में पढ़ाऊंगा, जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले उसमें ये फर्स्ट केस है, जिसमें आप लोग देख सकते हो सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट है, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस से कॉन्टेक्ट में है। ये सरफेस ब्लॉक की, ये सरफेस ग्राउंड की, और दोनों कॉन्टेक्ट में थी। तो सरफेस और सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, पहला केस मैं ये मानूंगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में एक इस तरह से दो ब्लॉक लेते हैं, ये पहला ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, दोनों के मास कंसीडर कर लेते हैं। इसका मास मैं मानता हूं एम वन और दूसरे का मास होगा एम टू। तो यहां पर अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस किस के लिए लगेंगे। पहले तो आप इसके लिए देखिएगा कि इसके इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो देखिए एम टू और एम वन कॉन्टेक्ट में है, और कॉन्टेक्ट में होते ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो एक तो यहां होगा M2 M1 पर लगाएगा और M1 M2 पर, और इस तरह से लगाएंगे कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हो। तो M1 इसे ऊपर की ओर पुश करेगा तो M2 पर ऊपर आएगा, और M2 इसे नीचे की ओर पुश करेगा तो M2 के कारण नॉर्मल रिएक्शन नीचे आएगा। तो M2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जरा देखिए ये M2, ठीक है। M1 M2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, M1 M2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो पुश करने के लिए कहां करेगा ऊपर, और कैसे लगाएगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये रही कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। किसने लगाया, ये लगाया M1 ने, किस पर लगाया टू पर। तो इसे कैसे लिखा जाता है देखिए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसे लिखने का तरीका देख लीजिए। फोर्स ऑन टू, टू पर लग रहा है पर किसके कारण, वन के कारण, तो नॉर्मल फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एम वन की, तो एम वन पे देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ये एम वन को ड्रॉ किया, एम वन देखिए दो बार कॉन्टेक्ट में आया, एक तो यहां पर कॉन्टेक्ट में था और एक इसके साथ भी कॉन्टेक्ट में था। तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो कितने नॉर्मल होंगे, दो नॉर्मल, जितनी बार कॉन्टेक्ट में आए उतने नॉर्मल लगेंगे। तो अब देखिए जरा M2 कैसे लगाएगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे लगाएगा कि इसे पुश करे, पुश करने के लिए नीचे धकेलेगा। तो M1 पर एक तो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, पर किसने लगाया, M2 ने। कितना लगाया, जितना M1 ने लगाया था उतना ही M2 भी लगाएगा, मतलब फोर्स तो यही होगा। पर इसे लिखने का तरीका होगा, इस बार फोर्स ऑन वन, वन पे लग रहा है ड्यू टू टू, और ये दोनों इक्वल ही होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, पर डायरेक्शन एक की ऊपर होगी दूसरे की नीचे। बस ये तो लिखने का तरीका, एक ने दो पर लगाया और दो ने एक पर लगाया। आगे चलते हैं और सरफेस की बात करते हैं। सरफेस पर देख लीजिए क्या क्या फोर्स अप्लाई होंगे। सरफेस और M1 दोनों कॉन्टेक्ट में थे, तो यहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। सॉरी, एक M1 पे एक और कॉन्टेक्ट फोर्स है जिसकी पहले बात कर लेते हैं। इसने तो इस पे लगाया और सरफेस ने भी तो लगाया होगा, और सरफेस ने लगाया होगा तो कैसे लगाया होगा, इस सरफेस ने भी परपेंडिकुलर लगाया होगा, और ऐसे लगाया होगा जिससे पुश हो पाए, पुश होने के लिए ऊपर की ओर लगाया। तो ऊपर की ओर लगाएगा तो ये सरफेस ने लगाया, और मैं इसे लिख देता हूं एन एस, एस का मतलब ड्यू टू सरफेस, सरफेस ने इतना नॉर्मल लगाया। तो कितने नॉर्मल, दो, एक तो यहां कॉन्टेक्ट में था तो M2 ने लगाया, यहां सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में तो सरफेस ने लगाया। ये हो गया M2 का डायग्राम, सॉरी M1 का डायग्राम। अब आते हैं ग्राउंड पर। देखिए ये ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड की सरफेस केवल एक ही बार कॉन्टेक्ट में आई है M1 के साथ, इसके ये ग्राउंड इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये नहीं लगाएगा। इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो M1 ही लगाएगा,
कैसे लगाएगा? तो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या नीचे। और मैंने कहा था हर बार ये पुश करने की कोशिश करेगा तो पुश करने के लिए नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। और यह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होता, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। ग्राउंड ने इस पर लगाया था एन एस, तो मैग्नीट्यूड तो इधर भी एन एस होगा, पर यह ऊपर लगा था तो इधर नीचे लगेगा। ये इसका डायग्राम बन गया, किस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर मैं तीसरा एक और एग्जांपल लूं तो और क्लियर होगा। देखिए, मैं एक कॉन्टेक्ट सरफेस इस तरीके से एक सरफेस को बनाता हूं और इस पे दो ब्लॉक इस बार इस तरीके से रखता हूं, ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक। अब दोनों ब्लॉक इसका नाम, इसका मास M1 मान लेता हूं, इसका मास M2, ठीक है। अब देखिए यहां पर नॉर्मल कहां कहां से लगेंगे, क्या M1, क्या M1 इसके साथ कॉन्टेक्ट में है? हाँ है, तो यहां M1 सरफेस पर लगाएगा और सरफेस M1 पर, एक तो M1 पर नॉर्मल यहां से आएगा। M2 भी देखिए, क्या M2 सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है? हाँ बिल्कुल है, तो M2 सरफेस पर लगाएगा, सरफेस M2 पर कॉन्टेक्ट में होना चाहिए नॉर्मल के लिए। और साथ में देखिए M1 और M2 भी इस बार कॉन्टेक्ट में आ गए, ये दोनों यहां से कॉन्टेक्ट में आ रहे, तो M1 इधर इस डायरेक्शन में M2 पर लगाएगा और M2 इस डायरेक्शन में M1 पर लगाएगा। जरा बनाने की कोशिश करते, सबसे पहले M1 का डायग्राम बनाते। M1 में देखिए, एक तो यहां पर कॉन्टेक्ट में है, एक यहां पर कॉन्टेक्ट में है। यहां पर कॉन्टेक्ट में है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, 90 डिग्री पर लगना चाहिए। और कौन लगाएगा? ग्राउंड। और कैसे लगाएगा? जिससे इसे पुश कर पाए, पुश करने के लिए ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। किसने लगाया? ग्राउंड ने। किस पर लगाया? 1 पर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ग्राउंड या सरफेस, तो 1F लिख देता हूं मैं इसे, जिससे आप समझ पाओ। फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पर, ड्यू टू सरफेस, सरफेस ने लगाया। ऐसे ही M2 भी कॉन्टेक्ट में है, देख लीजिए ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, और कॉन्टेक्ट में होते ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। कैसे होगा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इस तरीके से आना पड़ेगा कि M1 पर प्रेशर लगे, प्रेस करे, तो ये डायरेक्शन ऐसे होगी। और ये यहां पर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई होगा। किसके कारण लग रहा है और किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये हो गया पहले ब्लॉक के लिए M1 मास वाले। चलो अब दूसरे ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखते हैं। ये दूसरा ब्लॉक, ये भी दो जगह पर कॉन्टेक्ट में आया है, एक तो M1 के साथ आया है और एक ग्राउंड के साथ। पहले तो ग्राउंड के साथ आया, उसकी बात करते हैं। ग्राउंड भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट में है। कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर लगेगा। किस तरीके से लगेगा? कि प्रेस करे, तो ये ग्राउंड इसे ऊपर की ओर प्रेस कर पाएगा, तो इसे इस तरीके से नॉर्मल देगा, तो ये नॉर्मल लगेगा 2 पर ड्यू टू ग्राउंड या ड्यू टू सरफेस। यहां पर देखिए M1 के साथ भी कॉन्टेक्ट में है, तो यह M1 भी लगाएगा, और M1 लगाएगा, डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर इस कॉन्टेक्ट सरफेस के 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा, ये 90 डिग्री मतलब इधर ही लगना चाहिए। और कैसे लगेगा? कि M1 इसे प्रेस करे अंदर की ओर M2 को, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा? जितना M2 ने M1 पर लगाया, M1 भी M2 पर लगाएगा, और ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये दोनों इक्वल होंगे। ये दो फोर्स बात कर ली हमने, अब चलते हैं ग्राउंड का, और ग्राउंड पे क्या क्या लग रहा है जरा देखते हैं। देखिए ग्राउंड ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन दिया था, ये रहा, ग्राउंड ने इस पर दिया था, ये रहा, तो अगर ग्राउंड ने ऊपर लगाया है तो इस ब्लॉक ने ग्राउंड पर नीचे लगाया होगा। तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा एक एन, इसे चाहो तो S1 लिख लो, नॉर्मल ऑन सरफेस ड्यू टू 1, और एक और नीचे की ओर लगेगा नॉर्मल, ये N2S है तो इसे NS2 कर दो, नॉर्मल किस पर लग रहा है? सरफेस पर ड्यू टू 2। और इन दोनों के
मैग्नीट्यूड सेम, इनके भी सेम और इनके भी सेम, और डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये एक्शन रिएक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब एक और पॉइंट, एक और एग्जांपल से समझेंगे, जरा देखिए। अगर मैं इस तरीके से एक सरफेस बनाऊं और इस सरफेस पर एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका मास m है, तो क्या क्या फोर्स लगेंगे? देखिए, ये एक बार कांटेक्ट में आया है, कांटेक्ट सरफेस थ्योरी, तो सरफेस इस पर नॉर्मल लगाएगा, ये सरफेस पर लगाएगा, तो इस तरीके से नॉर्मल लगेगा। एक तो नॉर्मल सरफेस ने लगाया और एक नॉर्मल सरफेस पर लगाया, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब डायग्राम आप समझ रहे होंगे, इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक और केस लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है जो किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर, और यहां पर एक ब्लॉक में रख देता हूं। और अब मुझे बताइए नॉर्मल कैसे लगेगा ब्लॉक पर। तो देखिए, ब्लॉक और ये दोनों कांटेक्ट में है, दिख रहा होगा आपको, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगता है कांटेक्ट सरफेस के, तो ये कांटेक्ट सरफेस के 90 डिग्री पर लगेगा। ये देखिए 90 डिग्री, और कौन लगा रहा होगा? इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा होगा इस ब्लॉक पर। कैसे लगाएगा? इसे प्रेस करेगा ऊपर की ओर। ये नॉर्मल आया, किस पर आया? ये ब्लॉक पर आया। किससे आया? इंक्लाइंड प्लेन से आया। आई से रिप्रेजेंट करता हूं। हाँ, अब अगर इस पर ऊपर लगा है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो अगर ब्लॉक पर लगा है तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी लगेगा, और इंक्लाइंड प्लेन पे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा, और ये होगा एन आई बी, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। इस तरीके से आप लोग अब समझ रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगाया जाता है। इसमें अब मैं केस सेकंड लेता हूं। ये तो बात की हमने केस फर्स्ट की, देख लीजिए, सरफेस से सरफेस कांटेक्ट में थी, सरफेस से सरफेस कांटेक्ट में थी, पर अब जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें सरफेस से पॉइंट कांटेक्ट में होगा, और यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो केस सेकंड अब मैं यहां एज्यूम करता हूं, केस सेकंड में मानूंगा कि सरफेस टू पॉइंट कांटेक्ट है, सरफेस से सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, और इसके एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये सरफेस है और इसके पास मैंने एक रॉड रख दी इस तरीके से। अब आप देखिए ये कांटेक्ट में, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में आया क्या? हाँ आया, एक तो यहां आया और एक यहां आया, तो दो नॉर्मल लगेंगे, दोनों ही परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। पर सरफेस से सरफेस पहले तो कांटेक्ट में थी, पर अब सरफेस के साथ पॉइंट कांटेक्ट में है। आप देखिए ये एक पॉइंट है, ये तो सरफेस पूरी है, पर ये तो केवल एक पॉइंट है, तो सरफेस के साथ सरफेस कांटेक्ट में हो तो तकलीफ नहीं होती है, पर सरफेस के साथ पॉइंट कांटेक्ट में हो तो तकलीफ होती है। इसको बहुत आसानी से भी समझा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप पॉइंट को कंसीडर मत करना, आप केवल सरफेस को कंसीडर करना। अब देखिए ये सरफेस ये रही, पॉइंट ये रहा सरफेस, ये सरफेस फोर्स लगाएगी, कहां लगाएगी? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, और कॉन्टेक्ट सरफेस इस रॉड पर लगाएगी, तो मैं यहां पर इस रॉड पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसको ड्रॉ करूंगा पहले। तो देखिए ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा 90 डिग्री पर, तो ये सरफेस का एक छोटा सा पार्ट बनाया, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से नॉर्मल लगेगा, और ये नॉर्मल किस पर लगेगा? तो ये नॉर्मल रॉड पर लगेगा। इसी तरीके से देखिए यहां पर भी एक तो सरफेस थी और एक पॉइंट था, तो मैं कह रहा हूं पॉइंट को कंसीडर मत करो, किसको कंसीडर करो? सरफेस को। तो सरफेस ये रही और ये ब्लैक लाइन सरफेस है, और सरफेस लगाएगा फोर्स किस पर? इस रॉड पर।
कैसे लगाएगा, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर सरफेस को ड्रॉ किया, आप ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, पर स्टार्ट में दिखाने के लिए बता रहा हूं, सरफेस को ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट मैंने ये सरफेस यहां बनाया और इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगाया, ये वाला पॉइंट अलग था मतलब यहां टच था तो ये नॉर्मल अलग हो सकता है और ये नॉर्मल अलग हो सकता है, इसलिए एन वन और एन टू लिखा। ये तो बात की मैंने किसकी, रॉड की, पर अब बात करते हैं सरफेस की। इस तरीके से ये सरफेस है, ठीक है। अब इस पे कॉन्टेक्ट, अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मैग्नीट्यूड सेम, तो अब देखने की जरूरत नहीं, ये इधर लगा है तो ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लगेगा, ये एन वन है तो ये भी एन वन रहा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, और एक ऊपर लगा है तो दूसरा इधर नीचे लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप सरफेस को कंसिडर करके बना देना, और उसके बाद अगर पॉइंट के कारण देखना हो तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो डायरेक्शन अपोजिट कर देना, या आगे लगा तो इसे पीछे लगाया, या ऊपर लगा तो इसे नीचे लगाया। अब एक लास्ट केस इसमें और देखते हैं, केस थर्ड, कि सरफेस टू पॉइंट ना हो, लास्ट इसका केस थर्ड देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट में हो, सरफेस इस बार मिली ही नहीं, ये एग्जाम्पल कैसा होगा जरा देखिए। मेरे पास मान लीजिए एक ये इस तरीके से एक रॉड है और इस पर मैंने इस तरीके की वॉल के साथ इसे अटैच किया, तो आप देखिए यार ये सरफेस का एक पॉइंट यहां मिला, इस सरफेस का एक पॉइंट मिला, इसका भी एक पॉइंट मिला, इसका भी एक पॉइंट मिला, मतलब यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो यहां पर इसको कैसे डील करेंगे, तो यार नॉर्मल हम डायरेक्टली फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, या हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को या कंपोनेंट कहने पड़ेंगे नॉर्मल के, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसके लिए रॉड के लिए अगर ऐसे माने हैं तो इस वॉल के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप कंसिडर कर देना, तो इस तरीके से दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट में, और इक्वेशन बनाने के बाद ये कंपोनेंट की वैल्यू निकलेगी और यहां पर थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे आसान तो सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू पॉइंट ही है, पॉइंट टू पॉइंट में आप लोग डायरेक्ट नॉर्मल नहीं निकाल सकते, यहां आपको कंपोनेंट करने पड़ते हैं। ये बात की हमने नॉर्मल की, अभी तक दो फोर्स बहुत अच्छे से कर लिए, एक तो कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स और हम जान चुके वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे की ओर लगेगा, और सेकंड हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। अब तीसरा फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेंशन फोर्स, इसको स्ट्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं, तो अब अपना टॉपिक चलेगा टेंशन फोर्स, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जानता हूं लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, पर हर एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़े हैं हम, तो अब अपना टॉपिक होगा स्ट्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स, एक ही बात है, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग नहीं है ये, स्ट्रिंग है, इसको ही बोलते हैं टेंशन फोर्स। देखिए ये क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये स्ट्रिंग पे लगेगा मतलब रोप पर लगेगा, रस्सी होनी चाहिए, किस पर लगेगा, रोप पर, पहला पॉइंट रोप पर लगेगा। दूसरा फोर्स एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग और रोप, आप चाहो तो स्ट्रिंग कह दो, आप चाहो तो रोप कह दो, मतलब जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग लगना चाहिए। मान लीजिए ये एक मैं रोप बना रहा हूं यार, इसके अलोंग लगना चाहिए, अलोंग का मतलब ये है कि या तो अलोंग मतलब ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में लगना चाहिए या इस डायरेक्शन में, इनके अलोंग ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर लगे। तो फोर्स एक्ट ऑलवेज द फोर्स एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। तीसरा पॉइंट इट फोर्स ट्राई टू
पुल द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ये बॉडी को खींचने की कोशिश करता है, इसे हिंदी में तनाव बल कहते हैं। तो ये फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, जैसे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा। ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये तीन पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कहाँ लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे ये बॉडी को खींचना चाहता है, पुल करना चाहता है। बहुत आसान है टेंशन को समझना, इसका एग्जाम्पल सीधा स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं, आइडियल रोप की बात करते हैं। आइडियल से क्या मतलब है, मतलब है हम लोग मासलेस स्ट्रिंग को लेंगे जिसका मास नहीं होगा। एक और पॉइंट होता है इसमें फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं करना है। एक और पॉइंट होगा अनएक्सटेंसिबल, अनएक्सटेंसिबल का मतलब इसकी लेंथ को खींचकर नहीं बढ़ा सकते, नहीं कम कर सकते, लेंथ कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो मासलेस स्ट्रिंग लेने के पीछे का अपना पर्पज क्या है, अगर मान लो ये मासलेस मैं मान लो इसे, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन, टेंशन फोर्स को टी से रिप्रेजेंट करते, हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम लगेगा। पर अगर मैं मास लेता, मास मतलब द्रव्यमान, मान लेता कि इसका कुछ ना कुछ मास है, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग लगता। तो हम लोगों को मासलेस स्ट्रिंग लेनी है और हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। कब तक, जब तक कि स्ट्रिंग सेम है, ऐसा नहीं कि दूसरी स्ट्रिंग है जो दूसरे मटेरियल से बनी है उसके लिए अलग अलग रहेगा, पर एक ही स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि हम मासलेस स्ट्रिंग की बात करने वाले। फ्रिक्शन लेस बोल ही दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में बात की जाएगी। दूसरा अनएक्सटेंसिबल का मतलब यह होता है कि इसे खींचकर और ज्यादा लंबा नहीं किया जा सकता, मतलब इसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। अब ये लगता कैसे है, उस पर आते हैं। अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग ही लगेगा ऊपर नीचे, और ऐसे लगना चाहिए कि ये बॉडी को क्या करे, पुल करे। अब सीधे एग्जाम्पल पे आएंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, ये स्ट्रिंग है और इससे मैंने एक ब्लॉक को लटकाया है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर मास है तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, ठीक है। तो जिससे क्या आया, खिंचाव आया। तो इस स्ट्रिंग में खिंचाव आया तो टेंशन फोर्स आएगा, और कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि इस ऑब्जेक्ट को पुल करे, और पुल कैसे कर सकता है, इसे ऊपर की ओर खींचे, क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, मतलब स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। अब ऊपर लगे या नीचे लगे उसके लिए ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहिए, पुल करने के लिए मतलब ऊपर की ओर खींचने के लिए टेंशन इस तरीके से लगेगा। इस पॉइंट पे टेंशन कैसे लगा, समझ में आ गया होगा। तो ये टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, ये इसका डायग्राम बन गया, टेंशन कैसे बनाया अब समझ में आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये बहुत आसान है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक पुली है, पुली का मतलब एक चक्र है, और जिससे कि रोप बांधकर हम लोग किसी भी चीज को, ब्लॉक को खिसका सकें। ये फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है, इसका भी मास नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, और इससे मैंने इस तरीके से स्ट्रिंग जोड़ दी, रस्सी जोड़ दी, और यहां पर मैंने दो मास लगा दिए, दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। इसका मास मैंने m1 माना, इसका m2। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। m1 है तो आप जानते हो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा m1g, और अगर ये फोर्स लगेगा तो टेंशन आएगा क्योंकि खिंचाव आएगा, और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, ऊपर लगे या नीचे वो देखना पड़ेगा। इसको पुल कहां करेगी, तो पुल तो ऊपर की ओर करेगी क्योंकि इसको, इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए खींचना पड़ेगा, तो टेंशन कहां आ जाएगा, ऊपर की। इसी तरीके से m2 की बात करूं
तो एम टू पर नीचे की ओर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम टू जी, और टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर इसे पुल करे तो ये टेंशन। और आप देखिए मैंने टेंशन सेम लिया है, क्यों सेम लिया है, क्योंकि रोप एक ही है और रोप को कैसा माना है मासलेस, और जब तक मासलेस मानेंगे हर पॉइंट पे टेंशन सेम, तो इस वाले भाग में भी टेंशन टी है, इस वाले भाग में भी टेंशन टी है, क्योंकि रोप एक ही थी, यही घूमकर यह जा रही थी। हाँ पर यह अलग अलग रोप होती, ये भाग अलग होता, अलग रस्सी होती, ये अलग रस्सी होती, तो टेंशन इक्वल नहीं होती, चाहे मास लेस ही क्यों ना हो। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए इस तरीके से एक टेबल है, उस टेबल पर इस तरीके से एक पुली है, और पुली से एक रोप पास हो रही है इस तरीके से, ये रोप मैंने बनाई और यहां पर दो ब्लॉक बना रहा, एक ब्लॉक तो ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा, ये मान लो M1 मास का, ये मान लो M2 मास का। तो अब इसके लिए देखिए, पहले M1 को देखिए, M1 में वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा ध्यान रखना Mg का लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, M1g नीचे की ओर लगेगा। और देखिए ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, मैं सारे फोर्स अब बता रहा हूं कि कौन कौन से फोर्स है, कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट में आती कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स, सरफेस लगाएगी तो सरफेस इसे पुश करेगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की ओर आएगा एक नॉर्मल, इसे एन वन मान लो। और देख लीजिए रस्सी से भी जुड़ा है तो रस्सी में टेंशन आएगा, एलोंग द स्ट्रिंग आएगा और ऐसे आएगा कि इसे खींचे और इसे पुल करने के लिए आगे की ओर लगेगा टेंशन। तीनों फोर्स मैंने यहां समझा दिए। इसी तरीके से देखिए एम टू ग्रेविटेशनल फोर्स का लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम टू जी, नॉर्मल फोर्स का लगेगा परपेंडिकुलर टू टू द कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट है इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से एन टू पर इसे मान लीजिए। और देखिए रस्सी भी है और रस्सी में टेंशन आएगा, और रस्सी में टेंशन आएगा तो इसे ऊपर की ओर पुल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये हमेशा पुल करने वाला फोर्स होता है तो पुल करने के लिए ऊपर खींचेगा तो टेंशन। और देखिए रोप एक थी इसलिए टेंशन हर जगह सेम है, क्योंकि ये मासलेस माना है और फ्रिक्शन लेस माना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लीजिए मैंने सारे ही यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिए, इसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अभी आने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल और करवाएंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना टॉपिक क्लियर होगा। आगे चलते फोर्थ पॉइंट पर। मान लीजिए अपने पास इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इधर मैं एक पुली को लगा देता हूं और यहां पर एक रोप इस तरीके से जा रही है, और यहां पर इस बार रोप को मैंने बदल दिया है, दूसरी रोप लगा दी है, ये दोनों रोप अलग अलग है। एक ऐसा भी एग्जांपल ले लिया जाए तो ठीक रहेगा, इसे मैं मास M1 मानता हूं, इस इधर एक ब्लॉक है इसे मैं मास M2 कंसीडर करता हूं। अब इसका कौन कौन से फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे ये देखते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड आप जानते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम वन जी, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट ये है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर देख लो, ये रहा ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर बात कर रहा हूं मैं केवल। और देखिए रस्सी भी है तो रस्सी इसे पुल करने की कोशिश करेगी तो टेंशन, तीनों आगे। अब ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, क्योंकि मैंने ये वाला भाग अलग रस्सी से बनाया, ये वाला भाग अलग रस्सी से बनाया, तो इधर टेंशन T1 मानते हैं क्योंकि दोनों रस्सी अलग है। हाँ पर यहां पर हर पॉइंट पर कहीं पर भी जाओगे तो T1 ही मिलेगा क्योंकि मासलेस। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ये M2 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम टू जी, ठीक है, नॉर्मल का लगेगा कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर, ये कॉन्टेक्ट इसके परपेंडिकुलर 90 पर, इसे N2 मान लो। और देख लीजिए टेंशन भी लगेगा एलोंग द स्ट्रिंग और पुल करेगा, खींचेगा और खींचेगा तो ऊपर की ओर लगेगा, और कितना लगेगा तो देखिए ये रस्सी अब अलग मटेरियल से बनी है, ये अलग मटेरियल से बनी है, ये अलग से बनी है, तो इसके लिए मैं T2 मानता हूं, पर हर पॉइंट पे T2 होगा क्योंकि ये भी मासलेस है। तो इस तरीके से डायग्राम को बनाया जाता है मैकेनिक्स में। अब फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम ही है। चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं, स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया होगा।
अब अपने टॉपिक लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम को समझा रहा हूँ। लेक्चर बड़ा जरूर हुआ है पर हर एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ाया गया। चलो आते हैं अब फ्री बॉडी डायग्राम पर। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी ब्लॉक है या जितने भी टाइप के अपने पास ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट पे जितने भी टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे सब बता देना कि ये फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, उस डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और ये बनाना आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे कंस्टेंट मोशन और नॉर्मल वगैरह एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है ये तभी समझ आएगा जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखोगे। तो कुछ एग्जांपल से देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ और देखते हैं कि इनके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत आसान एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है, मुझे केवल ब्लॉक से मतलब है, अब सरफेस से मतलब नहीं है, मैं ब्लॉक का बनाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, तो इस पर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा और ये कॉन्टेक्ट में भी है तो नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ऊपर की ओर नॉर्मल 90 डिग्री पर लगेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स लग रहे, ब्लॉक के लिए बनाया, ये सरफेस के लिए नहीं बनाया। आप चाहो तो सरफेस को अलग निकाल के सरफेस के लिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए सेकेंड है अपने पास, ये सरफेस और इस पर मैं दो ब्लॉक बना रहा हूं, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, जो कि अपन कर चुके हैं पर अभी सारे फोर्स देखेंगे इस पे। ये मान लो m1, इसका मास m1, इसका m2, केवल ब्लॉक को देखना, इधर ही बना दे रहा हूं, अलग नहीं कर रहा हूं, चाहो तो अलग अलग करके बनाओ। चलो एक पूरा कंप्लीट अलग अलग करके बना के बताता हूं। ये पहला ब्लॉक है M1, इसके नीचे की ओर लगेगा M1G और कॉन्टेक्ट में भी है तो नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल, इसे चाहो तो N1 मान लो ड्यू टू टू। ये बन गया दो फोर्स लग रहे, क्योंकि स्ट्रिंग तो है नहीं, रस्सी तो है नहीं, वरना टेंशन भी होता। चलो सेकंड ब्लॉक, इसका मास M2 है तो वर्टिकली डाउनवर्ड M2G और दो बार कॉन्टेक्ट में आया है, एक तो इसके और एक इसके, तो नॉर्मल जो M2 ने लगाया था वही M1 भी लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में, M1 पे ऊपर लगा था तो M2 पर नीचे लगेगा और इसको लिखेंगे N21। पहले ही बता चुका हूँ ये वाला एग्जांपल किया भी है, और सरफेस भी तो लगाएगी और सरफेस का लगाएगी ऊपर लगाएगी और ऊपर लगाएगी, तो इसे मैं मानूंगा एन टू और सरफेस लगा रही है ड्यू टू एस, सरफेस को नहीं देखेंगे केवल ब्लॉक को देख रहा हूं मैं। आगे और एग्जांपल लेते हैं तीसरा। मान लीजिए अपने पास इस तरीके से एक बॉल है और इसमें एक इस तरीके से ब्लॉक सर्कल पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल है, इसका मास एम है। देखिए इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का केवल मैं देखना चाहता हूं, तो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड mg, कितनी बार कांटेक्ट में आया, दो बार, एक तो यहां आया एक यहां आया, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगना चाहिए नॉर्मल, ये लगा n1 मान लो, ये परपेंडिकुलर टू द, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, ये n2 मान लो, दो बार कांटेक्ट में था तो दो नॉर्मल लगा दिए। और स्फेरिकल जब भी आए तब हमेशा एक सेंटर पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास है, वही से हर एक फोर्स को अपन भेजेंगे, चाहे mg हो चाहे नॉर्मल हो। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में ये वाला एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया है, इस तरीके से एक क्वेश्चन है जिसपे एक ये ब्लॉक है और दूसरा ये ब्लॉक है, ये m1 मास का, ये m2 मास का, ये m3 मास का, तो चलो सब
देखते हैं, मैं इधर ही बता देता हूँ सब। एम वन नीचे की ओर, एम वन जी वर्टिकली डाउनवर्ड कॉन्टेक्ट में आया एक तो यहाँ पर, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एन वन किसके कारण, थ्री के कारण, ड्यू टू थ्री, क्लियर हुआ। और इसके भी कॉन्टेक्ट में आया है तो ये भी तो नॉर्मल लगाएगा, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा एन टू वन, सॉरी एन वन टू, नॉर्मल ऑन वन ड्यू टू टू। इसी तरीके से एम टू को बनाइए, एम टू के लिए नीचे एम टू जी नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट सर्फिस इसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल किस पर, टू पर, किसके कारण, थ्री के कारण। आगे ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो एम टू ने जितना लगाया एम वन भी उतना ही लगाएगा, और अपोजिट में ये इधर लगा रहा है तो एक नॉर्मल इधर लगेगा, और ये वन टू था तो ये टू वन हुआ। चाहो तो एम थ्री का भी बना सकते हो, एम थ्री का मैं अलग से बना देता हूं। ये मान लो एम थ्री है नीचे की ओर, एम थ्री जी कॉन्टेक्ट में था तो इसने इस पे लगाया था एम वन पे, तो ये भी लगाएगा, और ये ऊपर वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर था तो ये नीचे की ओर होगा इस तरीके से, एन थ्री वन होगा, और ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर था तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा इस तरीके से, एन थ्री टू होगा। तो ये इस तरीके से एफ बी डी बनाई जाती है, और एफ बी डी में हर टाइप का फोर्स जो भी अप्लाई कर सकते वो लगा दिया जाता है। एफ बी डी बनाने का तरीका अब आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे एफ बी डी को ड्रॉ किया जाता है पता चला होगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको उसकी एफ बी डी तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं, आप उनकी एफ बी डी को बनाकर रखिएगा, एम वन एम टू एम थ्री, और ये एक रो है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन की एफ बी डी आप बनाइएगा। ये एक ब्लॉक इसके बीच में है अलग, ये एम टू, और ये एक पुली है, और इस पुली से इस तरीके से एक रोप है, और यहाँ पर ये एक M1 है जो इस रोप से जुड़ा है, ठीक है, और ये M3 है। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इनकी बनाइएगा। ये दो क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था लेक्चर और FBD तक लेकर आया। अगले लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे और साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इन सब का उपयोग कर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब की बात करने वाले हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट की भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा अगला, पर उससे पहले इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है पर बहुत बेनिफिशियल है, हर पॉइंट को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और इसका उपयोग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज अपने लेक्चर को यही विराम देंगे। आपने इतनी शालीनता से सुना और इतना सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद।